हेलो दोस्तों, मैं प्रकृति। आप सभी का मेरे चैनल सरकारी सोर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। जो भी TGT, PGT और यूपी टेट से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है जो हम आपको आज बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो TGT बायोलॉजी 2016 का जो एक केस चल रहा था, जो TGT बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट था उसको निकाल दिया गया था, एक शासनादेश जारी किया गया था उसके कारण, और जो जिसके लिए एक केस दायर किया गया जिसकी सुनवाई दो बार ये केस गया, बट इसकी सुनवाई नहीं हुई, मतलब ये सुना नहीं गया। तो आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो लोग TGT बायोलॉजी 2016 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं ताकि इसे शामिल किया जाए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। तो दोस्तों, इसकी जो डेट है उसकी डेट मिल गई है, और इसकी जो सुनवाई होगी वो होगी, दोस्तों देख लीजिए आप, फर्स्ट हियरिंग डेट 7 फरवरी को उसको मिली थी, लेकिन तभी इनकी दो बार देने के बाद सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो 17 मई 2019 को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो हेयरिंग डेट है वो 17 मई को, मतलब इस केस को TGT बायोलॉजी 2016 के केस को 17 मई को सुना जाएगा दोस्तों। और आप ये देख सकते हैं, ये कॉज लिस्ट जारी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, कॉज लिस्ट जारी हो गई है, और आप देख लीजिए 60 नंबर पर ये केस लगा हुआ है। तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जो जिन्होंने TGT 2016 का एग्ज़ाम दिए वो फॉर्म भरा था बट एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे क्योंकि एक शासनादेश लागू हुआ था ताकि जिसकी वजह से सब इस विषय को हटा दिया गया था। बट जिन लोगों ने ये केस किया उनका कहना है कि साइंस और भौतिक विज्ञान, साइंस का ही विषय है। जैसे कि साइंस में 3 विषय होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये साइंस के विषय से नहीं हटा सकते हैं, तो उसको लेकर ये केस किया गया है। और हमें उम्मीद है कि इस केस को सुना जाए और ताकि इसका एक कुछ रियल निकल कर आए, ताकि लोगों को खुशी मिले, जो लोग बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए। अब हम दूसरी बात करें तो दोस्तों, यूपी TGT PGT के अब सेस पैनल जारी हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी TGT PGT के अब सेस चैनल जारी हो गए हैं, और आप लोग इसको यहाँ से अपनी इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो ये है इसकी ऑफिशियल साइट दोस्तों, UPSEESSB.org, और देख लीजिए रिमाइंडर पैनल अंडर रूल 12(8) एडवर्टाइजमेंट 2/3/2013 के जो PGT है उसका हिंदी विषय का पैनल जारी हो चुका है, और रिमाइंडर पैनल अंडर रूल 12(8) एडवर्टाइजमेंट 2013 TGT का भी, TGT में होम साइंस, बायोलॉजी, आर्ट और मैथ्स का पैनल जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए ये आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, और जिन जिन लोगों का हुआ है उनको मेरी तरफ से बताइए, आप देख लीजिएगा इसको डाउनलोड करके, ये ऊपर ही दिए हुए हैं सबसे। तो मेनली यूपी TGT PGT के पैनल को लेकर आज मेनली यही बात थी, और आगे के लिए टीचर से रिलेटेड जितनी वैकेंसी हैं उनके साथ उनको जानने के लिए मेरे साथ बने रहें, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाले टाइम के वीडियोज़ मिल सकें। और मैं बहुत जल्दी एक KVS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आऊँगी 2019 का, तो उसकी बात करेंगे। तो आप सभी लोग करें इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी न्यूज़, यूपी टेट 2018 सर्टिफिकेट 15 मई से मिलना शुरू होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट 2018 के जो सर्टिफिकेट हैं, अंक पत्र हैं, वो 15 मई से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। नॉर्मल डाइट से 11 से 2 बजे के बीच मिलेंगे, बट इनको अब मिलने की प्रक्रिया जारी की गई, जिसके अंदर अभ्यर्थी को अपने दस्तावेज को स्वयं लेकर नवल डाइट पर जाना होगा। वहाँ पे ये 3 दिन का समय लेंगे, 3 दिन तक आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेंगे, और फिर उनकी जांच करने के बाद, जैसे कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इन सब के डॉक्यूमेंट वो अपने पास जमा कर लेंगे, फिर 3 दिन बाद ये आपको प्रमाण पत्र देंगे और आप प्रमाण पत्र दे देंगे। तो दोस्तों, ये है यूपी टेट में, और ये सब क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा था कि जिसने ये एग्ज़ाम दिया है यूपी टेट का, जिसने क्वालिफाइड किया, सिर्फ उसी को मिलेगा, ताकि जो एग्ज़ाम देते हैं वही मिले, और जो कोई और उनका सर्टिफिकेट ना ले सके। तो मेनली यूपी टेट के सर्टिफिकेट को लेकर ये बात थी, और 3 दिन में ये प्रमाण पत्र मिल जाएंगे, और नॉर्मल डाइट से ये आपको सभी को मिलेगा। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आज 15 मई है और 15 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेनली आज की न्यूज़ में ये 3 न्यूज़ थी दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।